दोस्तों, वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा सहित 5 युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में जगह देकर बीसीसीआई ने सभी को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने कड़े कदम उठाते हुए कई सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करके युवा प्लेयरों को स्क्वाड में शामिल किया है। तो दोस्तों, बताएंगे इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 टी20 मैचों सीरीज के लिए बीसीसीआई ने कौन से 15 खिलाड़ियों को चुना। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा के बड़े फैन हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्रिकेट की ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया छठी बार वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा और हमारी भारतीय टीम और फैंस फिर दिल टूट गया और वर्ल्ड कप जीतने का सपना ही रह गया। जहां इस मैच में भारतीय टीम स्लो बैटिंग और ढीली गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। जहां 12 साल बाद भारतीय टीम के पास मौका था वर्ल्ड कप जीतने का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और कमाल की गेंदबाजी और फील्डिंग से भारत को चारों खाने चित कर दिया और भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को तोड़ते हुए करोड़ों भारतीयों का दिल भी तोड़ दिया। और अब फिर से भारतीय टीम और फैंस को 4 साल का एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मगर दोस्तों, वर्ल्ड कप खत्म होते ही भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की एक लंबी टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए बीसीसीआई ने पूरी टीम बदल डाली और सब युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। जहां इस स्क्वाड में धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत 6 बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया। वहीं आईसीसी के नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को भी इस स्क्वाड में मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में इनकी जगह पर सभी युवा खिलाड़ियों को चुना गया। वहीं दोस्तों, हार्दिक पांड्या भी चोट की वजह से इस टी20 सीरीज से बाहर हैं। तो दोस्तों, इसमें कप्तानी की जिम्मेदारी पहली बार सूर्यकुमार यादव के कंधों पर होगी। वहीं उप कप्तान की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड के पास होगी। वहीं आपको बता दें, इस 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में होगा, वहीं तीसरा मुकाबला 28 नवंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा, वहीं चौथा मुकाबला 1 दिसंबर को नागपुर में होगा और आखिरी मुकाबला 3 दिसंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारतीय स्क्वाड के बारे में, कौन से बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों को चुना है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 3 ओपनर बल्लेबाज बीसीसीआई ने चुने हैं। बात करें पहले ओपनर बल्लेबाज की, तो वो है ऋतुराज गायकवाड, जो अपनी खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने एशियन गेम में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं दोस्तों, दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो वो यशस्वी जायसवाल हैं। ये दाएं हाथ के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एशियन गेम में जायसवाल के बल्ले से एक तूफानी शतक निकला था। तो दोस्तों, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर से इनके बल्ले से आक्रामक पारी देखने को मिल सकती है। वहीं तीसरे ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन होंगे। ये बाएं हाथ के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। ये विकेट कीपिंग भी करेंगे, पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ईशान किशन के पास बढ़िया मौका खुद को साबित करने का। तो दोस्तों, ऐसे में ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में धमाल मचा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं मध्यक्रम बल्लेबाजों को, तो पहले बल्लेबाज हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा वेस्ट इंडीज में डेब्यू किया था, वहाँ इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। देखना ये होगा इनका बल्ला इस सीरीज में कैसा धमाल मचाता है। वहीं दोस्तों, दूसरे मध्यक्रम बल्लेबाज होंगे रिंकू सिंह। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह केकेआर के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। ये अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रिंकू सिंह ने आयरलैंड और एशियन गेम में गजब की प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टी20 सीरीज में रिंकू सिंह एक बार फिर से धमाल मचा सकते हैं। वहीं दोस्तों, मध्यक्रम के तीसरे बल्लेबाज होंगे सूर्यकुमार यादव। इनको इस सीरीज में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बीसीसीआई ने इनको पहली बार कप्तान बनाया। अब देखना ये होगा क्या ये कप्तानी में खड़े उतर पाएंगे या नहीं। वहीं दोस्तों, चौथे बल्लेबाज होंगे विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। दोस्तों, जितेश शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और लास्ट में बड़े बड़े हिट लगाते हैं। अब देखना ये होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जितेश शर्मा किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक ऑलराउंडरों को चुना है। पहले ऑलराउंडर है चेन्नई सुपर किंग के शिवम दुबे। दोस्तों, शिवम दुबे को इस टी20 सीरीज में मौका दिया गया है। आपको बता दें, शिवम दुबे बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज हैं, जो लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं और मौका मिलने पर बीच के ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में शिवम दुबे को ऊपर
पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी अच्छी करें और अपनी टीम को जीत दिलाएं। वहीं दोस्तों इस स्क्वाड के दूसरे ऑलराउंडर होंगे वाशिंगटन सुंदर, ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज जो निचले क्रम में भारत को बल्लेबाजी में मजबूती देंगे। वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। एशियन गेम में सुंदर ने बल्ले और गेंद से काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं दोस्तों इस स्क्वाड के तीसरे ऑलराउंडर होंगे अक्षर पटेल। दोस्तों ये चोट से उभर कर वापसी कर रहे हैं अक्षर पटेल, बीते एक साल में काफी शानदार प्रदर्शन किया था। अब बात करें गेंदबाजी को तो बीसीसीआई ने 5 गेंदबाजों को इस स्क्वाड में रखा है। पहले गेंदबाज है स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई। दोस्तों रवि बिश्नोई बीच के ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं, ऐसे में दोस्तों इस सीरीज में इनसे एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों इस स्क्वाड के दूसरे गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह, जो अपनी यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। अर्शदीप सिंह पावर प्ले और डेट ओवर में काफी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं। तीसरे गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा अपनी स्विंग और तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। चौथे तेज गेंदबाज होंगे आवेश खान। दोस्तों आवेश खान पावर प्ले और डेट ओवर में काफी घातक गेंदबाजी करते हैं। वहीं इस स्क्वाड के लास्ट खिलाड़ी और 5वे गेंदबाज मुकेश कुमार होंगे, जिन्होंने वेस्ट इंडीज दौरे पर तीनों ही फॉर्मेट में डेब्यू किया था। मुकेश कुमार ने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। तो दोस्तों ये भारत की 15 सदस्यीय टीम जो बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 T20 मैचों के लिए चुनी है। वैसे दोस्तों इस स्क्वाड में और किसे मौका मिलना चाहिए था, आप लोग अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, और दोस्तों क्रिकेट की ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।